जब तुलसी जी को नींद नहीं आती थी तब आप उनके लिए बांसुरी बजाया करते थे ना। आज फिर एक बार आपको बांसुरी उठानी होगी, पर इस बार गुनगुन के लिए। और हमें पूरा यकीन है गुनगुन को भी वैसा ही सुकून मिलेगा जैसे तुलसी जी को मिलता था। राधा, कुछ बोलने से पहले सोचा तो करो। चिढ़ा दिया ना तुमने मोहन को। मैं तो अच्छी तरह से पता है कि मोहन अब बांसुरी नहीं बजाता है। गुनगुन के लिए मैं बांसुरी बजाऊंगा। हम अपने हाथों से बनाया मोहन जी, शायद आपको ही हमारी आखिरी भेंट होगी। आशा करते हैं आप इसे तोड़ेंगे नहीं। मोहन जी ने हमारे तोहफे का मान रख लिया, बांसुरी तोड़ी नहीं। राधा ने गुनगुन के लिए आज तक जो कुछ भी कहा है सब सही था। अगर वो कह रही है कि मेरे बांसुरी बजाने से गुनगुन को सुकून मिलेगा तो मैं बांसुरी बजाऊंगा। मैं मोहन और गुनगुन के साथ यहाँ रुक जाऊं? नहीं, तुम रहने दो बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो।
मोहन और राधा सब संभाल लेंगे। देख रही हो राधा, मोहन की बांसुरी की तान ने तुम्हारे दिल पर भी दस्तक दे दी ना। अब तो समझ जाओ कि मोहन ही तुम्हारी मंजिल है। राधा, राधा, बेड गीला है। हमें पता है कि बिस्तर गीला है। वो कल रात गुनगुन भर डर गई थी ना, तो उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया। हमें सबको इसलिए नहीं पता क्योंकि गुनगुन को बुरा लगता। पर आप बिल्कुल मत चिंता करिए, हमने डॉक्टर साहब को सब बता दिया। तुम्हें पता था बिस्तर गीला है?
और बिस्तर गीला गुनगुन ने सारी रात। आप नाराज मत होइए, हमने सोचा था कि गुनगुन को उठाकर उनके कपड़े बदल देते हैं, पर वो हमें इतना जोर से पकड़ कर सोई थी ना, तो उठ ही नहीं पाए। क्या हुआ तुम्हारा था? तुम पूरी रात उस बिस्तर पर सो रही थी जिसे गुनगुन ने गीला किया। तुम्हें अजीब नहीं लगा? अजीब क्यों लगेगा मोहन जी, छोटी बच्ची तो है। हाँ, पर तुम्हारी बच्ची नहीं है ना। जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ एक माँ अपनी बच्चे के लिए कर सकती है, और कोई नहीं। नहीं मोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बच्चों से प्यार करते हैं ना, वो सब ऐसा करते हैं। नहीं राधा, ये सिर्फ या तो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, या तुम गुनगुन के लिए कर सकती हो, और कोई नहीं। पता है जब तुलसी मुझे छोड़कर चली गई थी ना, मुझे उससे नफरत हो गई थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि गुनगुन को कभी मां का प्यार नहीं मिलेगा। इसे उस एहसास के बारे में पता ही नहीं चलेगा जो एक बेटी को अपनी मां से मिलती है। तक कि मैं तो भगवान से भी नाराज हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उन्होंने मेरी बेटी की किस्मत में मां का प्यार लिखा ही नहीं है। लेकिन फिर तुम आई ना, तुमने गुनगुन को मां का प्यार दिया है। हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है मोहन जी, हमने तो बस वही किया जो हम कर सकते थे। हमसे बड़ा दिल तो आपका है मोहन जी, आप तो हमारे लिए। राधा को उस नजर से देखो जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे बाकी बिहारी जी चाहते हैं। मोहन, तुम्हें राधा से अच्छी जीवन साथी और गुनगुन को राधा से सच्ची माँ कभी नहीं मिल सकती। ये मत कहना कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मैंने कब बिना सोचे समझे तुमने मुझे अपना भगवान बना लिया? क्या किया है मैंने तुम्हारा भगवान बनने के लिए? कुछ भी तो नहीं ना, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। मेरी भगवान ना शाम घर तुम हो। भगवान का मतलब हमेशा साथ देना होता है, तो मेरी भगवान तुम हो। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हार ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले, तो मेरी भगवान तुम हो।
अपने मोहन की देख सुरती। भगवान वो होता है जो आपको गिरने से बचाए, जो आपकी गलतियां ठीक करे, आपको अंधेरे में रोशनी दे, कमजोर होने पर ताकत दे और अकेलेपन में प्यार दे ना। मेरी भगवान तुम हो। बताओ तुम्हें कैसा लगता चाहिए, मैं ड्रॉ करती हूँ। शाम घर आए, आज तक ना मेरा सर तो ही लोगों के सामने झुका है, मेरी मां और तुलसी। तुम्हारे सामने झुक रहे आगे बिहारी जी, हम जो सोच रहे हैं वो सही है। राधा, मोहन, गुनगुन, क्या हमारे मोहन के लिए राधा सही लड़की है? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही सोच रही है। अरे बिटिया, तुमने सुना नहीं कितना बढ़िया गाना बज रहा था और हम भी कितना बढ़िया नाच कर रहे थे। क्या तुम्हें भी लगता है हम वो डांस इंडिया डांस में जा सकते हैं? प्रभु, असली डांस इंडिया डांस तो वो राधा हमारे सर पर कर रही है और आपके प्यारे कद्दू उस डांस को देखकर एंजॉय भी कर रही है। मैं बता रही हूँ मम्मा आपको, आपकी बहन का मन बदल रहा है। अब वो राधा नाम की माला जपे और आप देखना, बहुत जल्दी वही माला वो मोहन के गले में भी डाल देगी। मतलब कादंबरी माँ राधा और मोहन को एक करने का सोच रही है। अरे क्या बकवास कर रही है बिटिया तू, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक करने का सोच रही है? अरे हमारी कद्दू ने हमें वचन दिया है और तुम्हारी तो बाकायदा हमारे मोहन बेटे से सगाई हुई है ना, तो तुम्हारी तो शादी वो करवा कर ही रहेगी, देखना। पर ऐसा लग नहीं रहा है मम्मा, आज जब राधा और मोहन साथ थे ना तब कादंबरी माँ भी वहाँ पे थी और मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि राधा मोहन के लिए सही लड़की है। क्या हमारे मोहन के लिए राधा सही लड़की है? तू इतनी शांत कैसे है बिटिया? अरे ये कद्दू है ना हमारे किए कराए पर राधा फेर देगी।
पानी फेर देगी। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले कि आपकी बहन कुछ करे, मैं राधा का पत्ता ही साफ कर दूंगी। तू रहने दे बिटिया, हमने सब कुछ करके देख लिया, पर पता नहीं वो 2.5 फुट चुड़ैल कौन से मोर पंख से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है कि हर बार उसे बाके बिहारी बचा ही लेते हैं। पर इस बार नहीं बचा पाएंगे मम्मा। अरे भाड़ में गई उसकी शादी, इस बार तो सीधा उसको ऊपर भेजने की तैयारी करूंगी। अगर मुझे मोहन के साथ जीना है, राधा को तो मरना ही पड़ेगा। बिटिया, ये ऊपर से याद आया, थोड़ा धीरे बोल कि तू कुछ भी कर ले, लेकिन भूतनी उसे बचा ही लेगी। तुलसी हो या राधा के बाकी बिहारी जी, मोहन के लिए तो मैं किसी के साथ भी लड़ सकती हूँ। इस बार ऐसा वार करूंगी कि तुलसी भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा क्या करने वाली है तू? हेलो, मुझे तुमसे अभी मिलना। ठीक है। किसको फोन करती रहती है, किससे मिलती रहती है, कुछ होता तो है नहीं। मोहन जी, अब क्या आंखों में आंसू, अब रो रहे हैं। नहीं नहीं सुनिए, ये पानी है, आँख में कचरा चला गया था ना, तो पता नहीं क्या है, कचरा भर रखा है सब जगह। बताइए ना मोहन, आप रो क्यों रहे? नहीं रो रहा, आपकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि आप रो रहे हैं। हमसे झूठ तो मत बोलिए। अगर किसी को जाकर पता है ना कि मैं रो रहा था, तुम्हारी चोटी काट दूंगा मैं। पता नहीं क्यों रहा था, पूरी दुनिया में एक तुम ही हो पता है जो मुझे इतनी खुशियां देती हो ना कि आंखों से आंसू आ जाते। पता नहीं कैसे, पर ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी के सारे एहसास के जो रिश्ते हैं ना, वो तुमसे जुड़े हैं। खुशी, गम, दर्द, गुस्सा, सब कुछ। अजीब सा कचरा था, दोनों आंखों में चला गया। लगता है कचरा तुम्हारी आंखों में भी घुस गया। चलता हूं मैं यार। किसी को बताना मत, बताया तो चुटिया काट दूंगा मैं। हंस क्या रही हो तुम? अरे तुम्हें नहीं, वो दांत दिखा के गी 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 कर रही है वो पीछे। क्योंकि तुम अब तक वैसे ही हो, प्यार जताना तो तुम्हें आता ही नहीं। तुम्हारा प्यार कभी डांट बन के सामने आ जाता है तो कभी आंसू। क्या चाहते हो कि यहां पर भी लौट दूं तुम्हें? अगर भगवान का मतलब हमेशा साथ देना होता है ना, तो मेरी भगवान तुम हो। अगर भगवान वो होता है जो आपके सारे दुख हर ले,
और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले तो मेरी भगवान तुम हो। गुनगुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? हम क्यों रोएंगे? हम नहीं रो रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। हुआ तो है कुछ अजीब अजीब सा। कुछ अजीब अजीब सा नहीं, बहुत अजीब अजीब सा। अजीब अजीब सा मतलब? तुम मोहन को ऐसे क्यों देख रही थी जैसे टीवी में हीरोइन हीरो को देखती है, जैसे आलिया वरुण को देखती? वैसे पहले मैं भी मोहन को देखती थी जब मुझे उससे प्यार हुआ था। दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक है। ये ब्लैक ब्लैक कुछ नहीं है, हम ठीक है, हम रो नहीं रहे थे। कुछ भी बोलती हैं आप तो। अभी मोहन ने भी तो यही बोला था कि मैं रो नहीं रहा। गुनगुन, आपने सब सुन लिया, आप जाग रही थी? तुम दोनों ना बिल्कुल सेम सेम हो, परफेक्ट मैच। तुम मोहन को ऐसे देख रही थी जैसे लक्ष्मी ऋषि को देखती है। कौन? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। अरे वो भाग्य लक्ष्मी वाले ऋषि लक्ष्मी। गुनगुन, फिर शुरू हुई आपकी टीवी पुराण। हम कह दे रहे हैं अगर आपने टीवी देखना कम नहीं किया ना तो मोहन जी से कह के ना आपकी टीवी की तारी काट देंगे। चलिए आप उठिए, आइए। तुम कितना भी मना कर लो राधा, पर मुझे तो दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मैडम जी, ये रहा आपका सामान। आराम से, जो भी आप जिसके साथ करने वाली हैं ध्यान से कीजिएगा वरना बहुत खतरनाक है। मुझसे ज्यादा खतरनाक तो नहीं। डोंट वरी, खतरनाक चीजों को कैसे हैंडल करना होता है अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, चलते हैं।